तो हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक पूंजी है, और या फिर कहें कि छात्र जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है वो है समय। और कई बार क्या होता है, हम ऐसी उधेड़ बुन में जुट जाते हैं, ऐसी चीज़ों में लग जाते हैं जिससे हम समय की कभी भी वैल्यू नहीं रखते, इसकी कीमत नहीं रखते, और धीरे 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 ये समय हमारे जीवन में कटता चला जाता है। हम इस समय को जी नहीं पाते बल्कि काटते चले जाते हैं। कई बार लोगों से यदि पूछो कि क्या चल रहा है तो बोलते हैं बस कट रहा है। तो कट रहने का मतलब ये है कि आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन को बस किसी तरीके से येन किन प्रकारेण बस काट रहे हैं। तो छात्र जीवन में या फिर जीवन के किसी भी अहम पड़ाव में मुझे लगता है कि समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे जैसे आपका जीवन अंतिम चरण में पहुंचता है, यानी कि आप वृद्धावस्था में जब प्रवेश करते हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को मैं सुनते हुए मैंने सुना है, या फिर आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहते हैं कि बस अब हमारे दिन तो बीत गए, हमें जो करना था सो कर लिया। यानी कि अभी भी उनके जीवन के 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने कुछ तो बचे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें अपने जीवन को ऐसा लगने लग जाता है कि बस अब जो होना था सो हो गया, समाप्त हो गया। तो देखिए, जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू रखता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागते रहते हैं लेकिन समय को नहीं पकड़ते हैं। वास्तविक पूंजी समय ही है। जीवन में जितने भी लोग हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने सफलताएं अर्जित की हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ अलग नहीं किया, बल्कि इसका वास्तविक सदुपयोग किया और कुछ नहीं किया। समय के साथ वो चले, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। समय तो किसी के लिए नहीं रुकता है। यदि आज कोई दूसरा मौसम है तो कल मौसम बदल जाएगा, है ना। आज यदि दिन है तो कल रात हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा, परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, और व्यक्ति का स्वभाव भी होना चाहिए कि हमें भी अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए। तो छात्र जीवन में जिस समय आप लोग हैं, ये आप लोगों का गोल्डन ईरा है, ये आपका स्वर्णिम काल चल रहा है, और यदि इस समय को आप सभी ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, इस समय पर आप सभी ने अपने जीवन को अच्छे से व्यवस्थित कर लिया, समय का सही सदुपयोग कर लिया, पूर्ण सदुपयोग कर लिया, तो निश्चित तौर पे आने वाला जो आपका समय है वो बहुत शानदार हो जाएगा। अपने जीवन में आप बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। तो एक आप लोगों का मेंटर होने के कारण से, आप लोगों का शिक्षक होने के कारण से, मैं बस आप लोगों से को यही सलाह दूंगा, यही सीख दूंगा कि आप सभी को अपने समय की वैल्यू समझनी चाहिए। परीक्षाएं हैं, आज परिस्थिति दूसरी है, परीक्षाएं टल रही हैं बहुत। अभी देखिए 12th के एग्ज़ाम पूरे टल चुके हैं, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को भी ऐसे ही, पिछले साल भी प्रमोट किया गया, इस साल भी वही स्थिति परिस्थिति है। तो इसमें खुश होने जैसा कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत दुख हुआ जब 12वीं के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, या फिर कहें कि निरस्त हुए। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो इस कोविड इरा के बच्चे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, कैसा खोखला उनका जो पूरा का पूरा फाउंडेशन है, खोखली होगी। अभिभावक खुश हो रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, इसमें खुश होने जैसा कुछ नहीं है। हमें चीज़ों से डरना नहीं है, और ये डर इस कारण से था लोगों को क्योंकि सही समय का सदुपयोग नहीं किया गया। तरीके बदलने चाहिए, मैं कहता हूँ ऑनलाइन ही मीडियम एग्ज़ाम का पैटर्न हो या कुछ भी हो, लेकिन एग्ज़ाम जरूरी है, एग्ज़ाम से भागना नहीं चाहिए, है ना। समय 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 पर आपका एग्ज़ाम और परीक्षा लेता है। इस समय जो कोविड का इरा रहा, ये भी हमारी सबकी एक परीक्षा है, एक बड़ी परीक्षा है। इस समय पे भी हमने परीक्षाओं को ही एक तरीके से एक चैलेंजेस के तौर पे, चुनौती के तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे देखा, लोगों को जो है मरते हुए देखा हमने, बहुत लोगों ने जो है अपनी दम तोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि सब परीक्षा की घड़ी तो है। बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे घरों में जो विपत्ति का वातावरण है, सब क्या है, परीक्षा की घड़ी ही तो है। और किस तरीके की परीक्षा होती है, वैसे ही हमारा व्यक्तिगत जीवन होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में हर समय हर तरीके की परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप सभी छात्र हैं, सपने बड़े बड़े हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की आप सोच रखते हैं, आप आईएएस पीसीएस बनने की सोच रखते हैं, लेकिन यदि आप कद्र किसी चीज की नहीं करते तो वो समय ही है, इसकी वैल्यू नहीं करते। आपको क्या लगता है, जिस दिन से आपने तैयारी शुरू की थी तब 2 साल थे, 3 साल थे आपके पास, धीरे धीरे समय कम होता चला गया ना। अब आ जाके बैठ गए ना आप उस टाइम पीरियड पे,
तो आज भी आपको अधूरापन इसलिए लगता है क्योंकि आपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया। यदि वास्तव में आपने सही सदुपयोग किया होता तो शायद इस कंडीशन में नहीं होते, इस मानसिक अवस्था में आप नहीं होते। तो मैं आप सभी को बस एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि जीवन में यदि कुछ पाना है, कई बार क्या होता है, बहुत सारे छात्र, गंभीर परिस्थितियाँ होती हैं हमारे घर पे, बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ जाता है, और ऐसे में भी या फिर आर्थिक तंगी का सामना नहीं भी करना पड़ता है, घर में सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी बच्चे बहुत सारे भावात्मक तरीके से कमज़ोर होते हैं और घर वालों के सपोर्ट में लग जाते हैं, चंद पैसों में अपने जो इस गोल्डन ईरा को है पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देखो आज मैंने आपको बता रहा हूँ, इस टाइम पीरियड की सबसे बड़ी पूंजी आपका गेनिंग पावर है, जितना आप गेन कर लोगे, अर्जित कर लोगे। पैसा अर्जन नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे का कोई भरोसा नहीं है। आज आपने कितना भी कमा लिया, कल के दिन आप बीमार हो गए, तुरंत समाप्त हो जाएगा वो पैसा, कुछ नहीं होगा। बेहतर आज के टाइम पे यही है कि आज आपको एक अच्छा स्वास्थ्य कमाना है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ एक अच्छा जो है अपना ज्ञानार्जन करना है, अपने स्किल को डेवलप करना है, मानसिक स्तर पर आपको मजबूत बनना है। और इस समय किसी भी परिस्थिति में आप हैं उसको महसूस करते हुए उसमें मजबूती के साथ खड़े रहना है। समय के साथ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, चीज़ें बदलती हैं, कभी भी समय आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी छात्र हैं जो कि एक लंबे समय से तैयारी करते हैं, परीक्षाओं को फेस करते हैं, परिणाम कैसा भी रहे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, तो रिजल्ट को हम कभी भी वैल्यू ना दें। रिजल्ट जो होना होगा सो देखा जाएगा, रिजल्ट हमारे लिए प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए प्राथमिकता हमारा कार्य होना चाहिए, हमारे कार्य करने का तरीका होना चाहिए, हमारी पद्धति होनी चाहिए, हमारा वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। परिणाम तो अच्छा आएगा ही, आज जो परिणाम आप देख रहे हैं वो आपके किए हुए कर्मों का ही प्रतिफल है, वो कोई अलग से नहीं आया है। तो मैं आप सभी को बस एक ही सीख देना चाहता हूँ सभी छात्रों को कि समय सर्वोपरि है, आप इसको किसी तरीके से ना जाने दे, नहीं तो ये इस तरीके से फिसलता चला जाएगा, फिसलता चला जाएगा, फिसलता चला जाएगा और आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। हमें एक एक पल का, एक एक क्षण का इसका महत्व समझना है, इसको इम्पोर्टेंस देना है, इसको सर्वोपरि रखना है, और फिर देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को सीखने को मिलेगा, आप अपने लाइफ में बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो जितने भी छात्र हैं जो इस समय पे परीक्षाएं, देखो जब होंगी सब हो जाएंगी अपने समय से, वो काम आपका नहीं है, वो संपन्न कराने का काम आयोग का है, लेकिन इस वक्त को, इस समय को, ये जो पूंजी है, इस पूंजी को पकड़ के रखिए और इसका पूर्ण सदुपयोग करिए। इसे किसी भी तरीके से अन्य चीज़ों में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, यदि आप सोशल मीडिया को नहीं संभाल पा रहे हैं ना, नहीं मैनेज कर पा रहे हैं ना, सब बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं रखा हुआ है, वो चंद लाइक डिसलाइक, चंद कमेंट से आपका कुछ नहीं भला होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप, यदि आपको लगता है डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना चीज़ें, तो आप सब बंद कर दीजिए, सब ब्लॉक कर दीजिए, सब डीएक्टिवेट कर दीजिए कुछ समय के लिए, जब तक के लिए आप अपने आप को गेन ना कर पाए। अभी समय नहीं है देने का, बहुत ज़्यादा अभी समाज सेवा का समय नहीं है, समाज सेवा तब करेंगे ना जब समाज के लिए योग्य व्यक्ति बन पाएंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको अपना एक साल, दो साल कम से कम पूर्ण समर्पण के साथ कैरियर के लिए देना पड़ेगा, तब चीज़ें हो पाएंगी, है ना। तो ये मेरा आप सभी से, आप सभी के लिए ये मेरी शुभकामनाएं भी रहती हैं और ये मेरी तरफ से आप लोग को प्रेरणा भी हैं। तो आप लोग अपने समय की, अपने वैल्यू की पूर्ण जो है एक सामर्थ्य के साथ खड़े होइए और इसका पूरा का पूरा जो है सदुपयोग करिए। ईश्वर आपको ऐसे लक्ष्य पथ तक ले जाएगा जहाँ पर पहुँचने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और आप अपने जीवन में बहुत सारे स्तर पे जा करके अपने आप को ऐसे जगह पे खड़ा कर पाएंगे जहाँ से फिर आप जीतेंगे ही, आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा। बस मैं यही शुभकामनाएं आप सभी को देता हूँ, है ना। तो चलिए अपने विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं आज के सेशन में, जो है हमें नए टॉपिक को पढ़ना है आज हम।